जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितांभुजंग तुंग मालिका डम 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 डम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ राशि के जातक और मीन राशि के जातक श्रावण साल 2020 में भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, आप भगवान शिव के ऊपर क्या चढ़ाएं, कैसे उनका अभिषेक करें, किन मंत्रों से उन्हें प्रसन्न करें, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय दिन महाशिवरात्रि है, उसके बाद श्रावण के सारे सोमवार और उसके बाद श्रावण का हर दिन उन्हें बहुत प्रिय है। श्रावण का महीना उनका प्रिय महीना है। भगवान भोलेनाथ इकलौते ऐसे देव हैं जिन्हें सावन में प्रसन्न करना बहुत आसान है, इसलिए वो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। एक तरफ वो प्यार के देवता हैं तो दूसरी तरफ वो सृष्टि के संहारक भी हैं। जो शमशान में बसते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जो भूत प्रेतों के साथ वास करते हैं, तो राशि अनुसार जब आप उपाय करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि जो भी इस महीने भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुंभ राशि के बारे में बताएंगे इस वीडियो में कि कुंभ राशि के जातक क्या करें। तो कुंभ राशि वाले, आप शुद्ध जल में तिल डाल दीजिए और इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। सफेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। ये एक उपाय आपके जीवन की सारी मुश्किलों को दूर करने की शक्ति रखता है। हम और भी चीजें बता रहे हैं, जो ऑप्शन है आपके पास आप कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले सफेद जो तिल है वो भी मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, पूजन भी कीजिए, चढ़ाइए भी, और साथ ही शिव षडाक्षर मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, सारी मनोकामना पूरी होगी। कुंभ राशि के जातक तिल के तेल से भी अभिषेक कर सकते हैं और उड़द से बनी मिठाई का भोग लगाइए। शमी के फूल पूजा में अर्पित कीजिए। शमी के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ये शनि पीड़ा को भी कम कर देता है। अब हम आपको मंत्र बताने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातक के जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और पूरे सावन महीने में रोज 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, निश्चित तौर पे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मंत्र है आपका, ओम क्लिम 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 वृषभारूढ़ाय वामांगे गौरी कृताय क्लिम 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 ओम नमः शिवाय। हम वापस मंत्र बोल रहे हैं, ओम क्लिम 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 वृषभारूढ़ाय वामांगे गौरी कृताय क्लिम 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 ओम नमः शिवाय। पूरे श्रावण महीने में रोज 21 बार इस मंत्र का आप जाप कीजिए। कुंभ राशि के जातक, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं हम, हर राशि का अपना ज्योतिर्लिंग होता है। अब ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए जरूरी नहीं है कि हम उस स्थान पर जाएं और पूजन करें, आप कहीं भी रहकर अपने राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अपने इष्ट देव को ध्यान में रखकर, देखिए भगवान तो हमारे यहाँ बसते हैं, तो इष्ट देव का ध्यान में रखकर आप पूजन कीजिए। राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सर्वाधिक लाभ होता है। तो कुंभ राशि के जातक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजन करें, और ये आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, ध्यान लगाइए और पूजन शिवलिंग का आपको पंचामृत
कमल के फूल और धतूरा से करते हुए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। और आपको मंत्र पढ़ना है, आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अभिषेक करते वक्त भी कीजिए, और आप चाहें तो ही मंदिर में बैठ जाएं, आप घर पे आके बैठ के कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का कम से कम एक माला तो कीजिए ही। रुद्राक्ष की माला से करना है आपको, रुद्राक्ष की माला आपको shivago.com पे मिल जाएगा, shivago.com से ले सकते हैं, जेन्युइन ऑथेंटिक और सर्टिफाइड। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक दूध या जल के साथ गुड़, घी, शहद और लाल चंदन शिव जी को चढ़ाएं, ये कर सकते हैं मीन राशि के जातक। मीन राशि के जातक पीपल के वृक्ष तले बैठकर भगवान शिव की आराधना करें। श्रावण के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप वहीं पीपल के नीचे बैठकर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। चने का दाल आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, बहुत ही उत्तम लाभ होगा आपको। और मीन राशि के जातक श्रावण के हर दिन शिवलिंग पर जल मिश्रित दूध जरूर चढ़ाएं। साथ ही रावण रचित शिव तांडव का पाठ करें, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। मीन राशि के जातक हम आपको मंत्र भी बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का जाप आपको करना है श्रावण के महीने में, और अगर आपने इस मंत्र का जाप 1000 बार कर लिया पूरे महीने में, तो ये इतना शुभ फल प्रदान करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपका मंत्र है ओम शन शन शिवाय शन सन कुरु कुरु ओम। ओम श के ऊपर बिंदी, श के ऊपर बिंदी, शिवाय श के ऊपर बिंदी, श के ऊपर बिंदी, कुरु कुरु ओम। कुछ लोग शम भी बोल देते हैं, कुछ लोग शन भी बोल देते हैं, तो ओम शन शन शिवाय शन शन कुरु कुरु ओम, ये आपका मंत्र हो गया। मीन राशि के जातक हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि हर राशि का अपना ज्योतिर्लिंग होता है, आपका भी अपना ज्योतिर्लिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। अब ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उस स्थान पर जाएं और वहां पे पूजा करें। आप कहीं भी रहकर अपने राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं, और उस ज्योतिर्लिंग का आप ध्यान कीजिए। राशि अनुसार जब आप ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो सर्वाधिक लाभ होता है। कैसे करना है ज्योतिर्लिंग की पूजा वो हम आपको बता देते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि के जातक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान और पूजा करें। भगवान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। आप शिवलिंग पर गाय का घी और शहद अर्पित करते हुए मन ही मन का ध्यान करते हुए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कीजिए, ये आपके लिए सर्वाधिक फलदायी होगा। तो हमने आपको कुंभ राशि का और मीन राशि का बता दिया। आप जो मंत्र पढ़ेंगे अभिषेक करते समय, उसके बाद ये मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पे भी पढ़ सकते हैं। कम से कम एक माला तो जरूर कर लीजिएगा, और रुद्राक्ष की माला आपको shivago.com पे मिल जाएगा, ऑथेंटिक सर्टिफाइड और जेन्युइन। और एक चीज और बता दूं कि श्रावण के महीने में किसी भी राशि के लोग अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, चाहे वो पारद की शिवलिंग कर लें, चाहे वो स्फटिक की शिवलिंग कर लें, चाहे वो मरगज की शिवलिंग कर लें। और पर वो शिवलिंग की जो हाइट होनी चाहिए वो कभी भी अंगूठे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको shivago.com पे मिल सकता है, आप ले सकते हैं वहाँ से, कहीं से भी ले सकते हैं। shivago.com पे आपको जेन्युइन ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें मिलेगी। तो ठीक है, अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें यदि आप चाहें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।